जय हिंद दोस्तों, रश्मि के किचन में आप सबका स्वागत है। आज नारियल पूर्णिमा है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नारियल भात की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। नारियल भात बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी बासमती चावल को अच्छे से धोकर उसका पानी निकाल कर आधे घंटे के लिए रख दिया था। एक कटोरी कद्दूकस किया हुआ कच्चा नारियल लिया है मैंने। एक कटोरी को थोड़ा सा कम गुड़ को मैंने इस तरह से छोटा काट कर लिया है। और ये छोटी कटोरी चीनी ली है मैंने, आधी छोटी कटोरी चीनी है ये। इस चावल को तड़का लगाने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी दालचीनी ली है, 3 से 4 इंच दालचीनी, थोड़ा सा लौंग और इलायची का पाउडर लिया है आधा चम्मच। इससे हम इसमें तड़का लगाएंगे। और ये थोड़े काजू लिए हैं जिसे हम फ्राई करके इसके ऊपर डाल देंगे सजाने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर गैस पर मैंने कुकर रख दिया है जिसमें मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालकर इसे अच्छे से पिघला ले। गर्म होने के बाद इसमें लौंग और दालचीनी डालें, फिर ये धोए हुए चावल डाल दें और इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट तक धीमी आँच पर चला लें और अच्छे से भून लें। फिर अब हमें इसमें 2 कटोरी गरम पानी डाल देना है। 2 कटोरी पानी डालकर हमें इसे अच्छे से पका कर लेना है। आप चाहे तो कुकर की सीटी भी लगा सकते हैं। चावल अच्छे से पकने के बाद हमें इसे एक बड़ी थाली में निकाल कर ठंडे कर लेने हैं। मैंने चावल ठंडे करने के लिए रख दिए हैं। अब इसी कुकर में मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला और इसमें ये जो काजू लिए थे इन्हें फ्राई करके मैंने लिया है। काजू को निकाल कर अब ये ठंडे हुए चावल इसमें डाल दे। इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा गुड़ को फैला दे, थोड़ी सी चीनी भी इसके ऊपर डाल दे और फिर ये कद्दूकस किया हुआ नारियल इसके ऊपर डाल दे। अब इसके ऊपर थोड़ी इलायची पाउडर डाल दे। इसी तरह फिर से एक बार इसके ऊपर चावल को डाल दे। चाहे तो चावल पकाते समय थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। और फिर से इसी चावल के ऊपर गुड़, चीनी और नारियल और इलायची पाउडर डाल दे। आप आपकी पसंद के अनुसार मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरा नारियल इसके अंदर डाल दे। अब इसके ऊपर फ्राई किए हुए काजू लगाकर इसे हम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे। पानी नहीं है तो इसकी सीटी नहीं होगी। 10 मिनट बाद गैस को बंद कर दे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने कुकर खोल दिया है। अब इसे एक बार मिला ले अच्छे से। ये बिल्कुल तैयार है हमारा नारियल भात। घी डालकर गर्मा गर्म इसे खाए तो ज़रूर बना के देखिए इस नारियल पूर्णिमा पर इस तरह से नारियल भात। और मुझे ज़रूर बताएं कैसे बना था। और ऐसी नई रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी नई रेसिपी के साथ। जय हिंद।